नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और आपके अपने इस YouTube चैनल में, जिसमें हम बात करते हैं BSNL, MTNL और VRS से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी खबरों के बारे में। वीडियो शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को एक बार क्लिक करना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन की फॉर्म में आपको हमारे वीडियो BSNL, MTNL और VR से रिलेटेड जानकारी सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर प्राप्त होती रहे। दोस्तों, बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। पहली खबर आ रही है BSNL के कॉरपोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली की तरफ से। दोस्तों, जैसा आपको पता होगा, BSNL में कार्य करने वाले उसके अधिकारी कर्मचारियों को BSNL विभाग की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती हैं, जिसमें लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड या मोबाइल की सुविधा होती है, उसमें कुछ कंसेशन दिया जाता है, जो कि विभाग की तरफ से उस एम्प्लॉय के लिए होता है। अब आज के टाइम पर हाई स्पीड का जमाना है, जिसमें कि FTTH BSNL का अहम भूमिका निभा रहा है। पर आपको जानकर ये अचरज होगा कि ये अभी भी BSNL के हायर लेवल पर ही सीमित है। हाँ दोस्तों, BSNL के जो केवल हाई पोस्ट के ऑफिसर्स हैं, उन्हें ही इस सुविधा के लिए कंसेशन दिया जा रहा है। अब इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें कि जो उस टॉप लेवल से बिलो के नीचे के स्टाफ हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके कंसेशन की बात की जा रही है। तो दोस्तों, ये लेटर उसी के रिगार्डिंग है, तो आइए जानते हैं क्या बताया है इस लेटर में। इसका सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कमिटी फॉर एक्सटेंशन ऑफ कंसेशनल FTTH कनेक्शंस फैसिलिटी फॉर बिलो JAG लेवल। तो दोस्तों, इसका सब्जेक्ट है, एक कमेटी का फॉर्मेशन किया गया है, बनाई जा रही है, जो कि FTTH कनेक्शंस में जो कंसेशन दिया जाता है, वो जो JAG लेवल के नीचे के स्टाफ हैं, उनको देना है कि नहीं देना, ये डिसाइड करेगी। With the approval of the competent authority, a committee has been constituted for the extensions of facility of concessional FTTH connection for below JAG level in lieu of existing concessional broadband connection issued wide circular. इस लेटर के माध्यम से कॉरपोरेट ऑफिस ने बताया है कि एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कि कंसेशनल FTTH कनेक्शन, जो कि JAG लेवल के नीचे के अधिकारी कर्मचारियों को देने के लिए प्रस्तावित है, जिसमें कि जो उनके पास एग्जिस्टिंग अभी के समय जो वर्तमान में ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, उसको रिप्लेस किया जा सकता है। इस कमेटी मेंबर्स में जो फाइनेंस के CFA चेयरमैन, NWO, BBN, IN के मेंबर्स और एडमिन एंड PR के मेंबर्स को शामिल किया गया है। अब बात करें कि ये कमेटी क्या डिसाइड करेगी, तो स्कोप ऑफ द कमेटी वुड डिसाइड द मॉडलिटीज एंड एनी अदर इश्यू रिलेटेड टू द मैटर एंड वुड सबमिट द रिपोर्ट विद इन 15 डेज फॉर पर्सुअल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो दोस्तों, ये जो कमेटी बनाई जा रही है, इस कमेटी का उद्देश्य होगा कि ये उन सारे मुद्दों पर बात करे, ताकि आगे जाकर किसी भी तरह का इस पर विरोध ना हो। पर दोस्तों, देखने में ये आ रहा है कि BSNL में FTTH की सुविधा हर कोई चाहता है, और यदि BSNL विभाग अपने अधिकारी कर्मचारियों को कम पैसे में या कंसेशनल FTTH कनेक्शन देता है, तो उसमें किसी भी तरह की कोई दोराय नहीं होना चाहिए। यदि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, ताकि BSNL का भविष्य सिक्योर हो सके। जो कि CGM टेलीकॉम MP सर्कल भोपाल की तरफ से जारी हुआ है 22 दिसंबर 2020 को, और इसे एड्रेस किया गया है सभी जिला महाप्रबंधक, बिजनेस एरिया प्रमुख, सभी जिला दूरसंचार प्रबंधक और जिला दूरसंचार अभियंता, BSNL मध्य प्रदेश सर्कल ऑफिसेस। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि
यदि आप BSNL का किसी भी तरह का कोई सर्विस टेलीफोन कनेक्शन लिए हुए हैं तो आपको अब किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं पूरे लेटर की तरफ। विषय है मध्य प्रदेश परिमंडल में सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों के कार्यरत सर्विस टेलीफोन कनेक्शन को चालू रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र बाबत। तो दोस्तों आपको हम पूरी डिटेल बताते हैं। संदर्भित पत्र द्वारा आपसे मध्य प्रदेश परिमंडल के विभिन्न SSA में कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों के सर्विस टेलीफोन कनेक्शन हेतु जीवन प्रमाण पत्र हासिल कर इस कार्यालय को सूचित करने के लिए अनुरोध किया गया था। यह जानकारी में आया है कि यह कार्य केवल भोपाल SSA के अलावा कहीं नहीं हो रहा है। सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशन हेतु BSNL के ग्राहक सेवा केंद्र CSC से जो जीवन प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं वही प्रमाण पत्र सर्विस टेलीफोन कनेक्शन के लिए भी मान्य है। बाकी जो सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी बैंक से अपना जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उन्हें अपना जीवन प्रमाण पत्र सर्विस टेलीफोन कनेक्शन जारी रखने हेतु भी जमा करने के निर्देश जारी करें। यदि सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी 31 दिसंबर 2020 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो सर्विस टेलीफोन कनेक्शन तुरंत प्रभाव से काट दिया जाए। बिना जीवन प्रमाण पत्र के 31 दिसंबर 2020 के बाद सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी के सर्विस टेलीफोन कनेक्शन चालू पाए जाने पर इसकी जिम्मेदारी संबंधित SSA इकाई प्रमुख की होगी और इन कनेक्शन के बिल का भुगतान संबंधित जिम्मेदार को करना होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि VRS के बाद किस तरह से BSNL में अब नियमों का डंडा चालू हो गया है। अतः आपसे पुनः अनुरोध किया जाता है कि इस बाबत उचित कार्रवाई करके आवश्यक अनुपालन कंप्लायंस इस कार्यालय में 31 दिसंबर 2020 तक ईमेल आईडी पर अवश्य भेजने की कृपा करें। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा यदि आपने किसी भी तरह का BSNL से अपना सर्विस कनेक्शन अभी चालू रखा है तो उसको कंटिन्यू करने के लिए आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र BSNL के कार्यालय में भी देना होगा ताकि आपको मिलने वाली सुविधाएं कंटिन्यू रहे। और यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि BSNL और VRS से रिलेटेड सारी न्यूज़ आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।